ये सिंगल स्टेप की इस वीडियो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जानते हो कि ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक सभी एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी इस सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस हर समय आती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि आज से इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कशंस होंगे। सो आप सब लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर शेष तक ज़रूर देखिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आता है तो मुझको कमेंट कीजिए और आप मुझको ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल है csina651@gmail.com। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। आप सब लोग जानते हो कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 15 अगस्त। लेकिन फ्रीडम पाने के बाद इंडियन लीडर्स के सामने एक चुनौती था कि लॉ फ्रेम करना और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करना ज़रूरी था। सो मेरा पहला क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने पहले दिया? हु फॉर द फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो आंसर होगा एम एन रॉय नहीं, पहले जो एम एन रॉय था एक पायोनियर था कम्युनिस्ट मूवमेंट का, उसने ही पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया। और 1935 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड उठाया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। और इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो 1940 में अगस्त अफर आया था उसमें उन्होंने ये डिमांड एक्सेप्ट किया। सो दोनों पॉइंट के तरफ आप नज़र दीजिए। द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एक्सेप्टेड इन अगस्त अफर इन 1940 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट प्रपोजल ले आया जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बाद में एडॉप्ट किया जाना था। लेकिन तभी एक समस्या और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वो जो क्रिप्स प्रपोजल था, वो क्रिप्स प्रपोजल मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। उसका डिमांड था कि इंडिया को दो ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड किया जाए और दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। इसी डिमांड पर मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। सो आप पॉइंट्स को ज़रा देख लीजिए। थर्ड पॉइंट को, द क्रिप्स प्रपोजल्स वेयर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग्स। थोड़ा हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो आपने किया जाना कि क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था इसी डिमांड पर कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और इंडिया दो स्वतंत्र और ऑटोनोमस स्टेट्स हो, इसी डिमांड पर। फाइनली कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। इंडिया में कैबिनेट मिशन आया और उसने एक स्कीम रखा जो स्कीम के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1946। ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेम हुआ, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और फ्रेम हुआ था। ये डेट है नवंबर 1946।
under which scheme? Now, under the scheme formulated by the cabinet mission plan जो scheme लाया था उसके तहत November 1946 को constituent assembly का गठन हुआ. So आज इतना ही. हम लोग next video में constituent assembly का कितना सदस्य था, constituent assembly partly elected था और nominated body था क्या, both partly और nominated body था, ये सब हम next video में discussion करूँगा. आप मेरे channel को जरूर subscribe कीजिएगा और पास में bell button को click कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिएगा, so everybody gets benefited by this video. So thank you.